सियासी इख्तलाफात दुनिया के हर हिस्से में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन उन इख्तलाफात को दुश्मनियों में तब्दील कर देना, अदावत में तब्दील कर देना, एक दूसरे के खून का प्यादा हो जाना। याद रखो ये सियासी इख्तलाफात इस्लाम का मानना नहीं है, ये कोई दूसरा इस्लाम का मानना नहीं है कि मैं मुसलमान हूं दूसरा काफिर, बल्कि सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन राय के इख्तलाफ और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनियों में तब्दील कर देना और ऐसे झूठे झूठे इल्जाम एक दूसरे पर लगाना, एक दूसरे को इस तरह से फोन करना जैसे वो इस्लाम के दायरे से बाहर ही है, वो इस्लाम हमारा मुसलमान भाई नहीं है। सारा रमजान हमारा अफसोस है कि इस आफत में गुजरा, यहाँ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम इत्याम फैलाते रहे, नफरतों के बीज होते रहे। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम एक दूसरे के गले काटे, इसलिए बना था कि एक दूसरे के लिए नफरत के बीज बोए? खुदा के लिए हम होश में आए, इख्तलाफ को इख्तलाफ के हाथ में रखे। आप जो चाहे आपका जो सियासी नजरिया हो, आप जो चाहे सियासी पार्टी इख्तियार करें, लेकिन एक दूसरे के गले काटना, एक दूसरे के ऊपर हमलावर होना, एक दूसरे को झूठ, एक दूसरे के ऊपर टूटे इल्जाम लगाना और एक दूसरे के खिलाफ सफाया होना और मिल्लत को उम्मत को तकसीम करना कि ये एक पार्टी है और वो दूसरी पार्टी है और ये मुसलमान है ये गैर मुस्लिम है, ये यहाँ का ये वाकई है, इसने हमें ये अगर ये सिलसिला हमें काम जारी रहेगा हम किसी चीज के लिए रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे को से लड़ लड़कर खत्म हो जाएंगे। खुदा के लिए होश का ना खुल ले, ऐसेदार को सदीर जी को मतानत को समझबूझ को तैयार करें और जज्बातियत को का खात्मा करें, ठंडे दिलों के नाम से सोचे, ठंडे दिलों के नाम से फैसले करें और ठंडे दिलों के नाम के मुताबिक जो बात आपको हक कराती है बेशक उसके पीछे चले, लेकिन लड़ाइयां एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे के ऊपर दुष्नाम करा दी, गाड़ी गलो, ये न किसी मुसलमान के सेवा होता है न किसी शरीफ इंसान के सेवा होता है। आज गाड़ी गलोज हमारे माशरे का एक दोहरा इम्तियाज बन गया कि कौन किसको कितनी बड़ी गाली देता है, कौन किसको कितने दुश्मन तराजी करता है, उसकी बना पर वो मकबूल हो रहा है, उसकी बना पर वो आगे बढ़ रहा है। अगर हमने अपना यह रवैया न बदला तो फिर याद रखो कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से हमें पाकिस्तान अता फरमाया, बदला है कि नहीं, हमसे ये नेमत छीन ली, आधा मुल्क हम गवा देंगे इसी जज्बातियत की वजह से, इसी गाली गलौज की वजह से, इसी नासमझी की वजह से आधा मुल्क हमने गवा दिया। अब आधा आधा रह गया है, खुदा के लिए इसकी तो इबादत कर लो, खुदा के लिए आपस में दुश्मनियों के बीच लगाओ और आपस में अदालत